हेलो गाइस, कैसा आप सभी लोग। वेलकम बैक यूट्यूब चैनल गेट फ्री गेम अमेज़न। तो गाइस, आज हम दोबारा बात करने वाले हैं हिमलैंड्स के ऊपर। हिमलैंड में गड़बड़ी कभी ख़त्म नहीं होती, और आज जिस गड़बड़ के बारे में बात करने वाला वो है हिमलैंड्स का मल्टीवर्स। वो जो ड्रीम बॉय के मल्टीवर्स में जो हुआ है गड़बड़, वो क्या हुआ है मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। पर उससे पहले स्पॉइलर वार्निंग, ठीक है, थंबनेल में भी बता दिया था और यहाँ पर भी बता रहा हूँ। उसके बाद मुझे कोई कमेंट में मत बोलना भाई, तो वीडियो लीक करता है, वीडियो देखने से पहले बता देता है। तो मैं पहले चाहता हूँ कि आप जाकर देखो, छोड़ दो वीडियो को, आगे जाकर देखो, उसके बाद वापस इस वीडियो में आना। तो मैं कुछ नया दिखाने वाला हूँ, नया बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक बने रहना, नया आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, पुराने हो तब भी कर दो, और लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है। तो फटाफट स्टार्ट करते गाइस। तो गाइस, क्या होता है कि हिमलैंड में जब ये सब हो ही रहा था, कि सब कुछ मुझे पता था कि, और तुम लोगों को पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा, स्मार्टी भाई पार्कोस चैम्पियनशिप में हिस्सा लेने जा रहे हैं। पोर्टल के वक्त उनकी वीडियो ख़त्म हो गई, ठीक है। पोर्टल के आगे जाकर वो चैलेंज लेंगे और वो पार्टिसिपेट करेंगे, और आगे जाकर वो लोग पार्कोर में हिस्सा लेकर वो उस पार्कोर वो जीत जाएंगे, ये लेकर सोच रहे थे ना। लेकिन यहाँ क्या हुआ, ड्रीम बॉय के साथ एक बहुत बड़ा कुछ हो गया है। क्या हुआ मैं बताऊँ, कि जब हमने ड्रीम बॉय की वीडियो में उसके स्किन की सारी चीज़ें देखी, जैसे कि मून हो गया, जोम्बी स्केलेटन, जोम्बी एंड सब कुछ हो गया, मतलब एनिमल्स ले लो या फिर डेंजर मॉब ले लो या फिर आसमान ले लो। आसमान तो नहीं हुआ था, पर उसका चांद ज़रूर हुआ था ड्रीम बॉय स्किन जैसा, ठीक है। और लावा देखो, पानी देखो, विलेचर, गोलम, सब कुछ ड्रीम बॉय की स्किन है ना, वैसा हो गया, ओके। और बारिश भी ड्रीम बॉय जैसी हो रही थी, ओके ओके गाइस। और उसके बाद जब हम लोग आगे देख रहे थे, तभी अचानक ड्रीम बॉय के सामने आते एसजीओ भाई। एसजीओ भाई ने ड्रीम बॉय को ऐसे इग्नोर किया जैसे कि मैं जानता नहीं हूँ कौन है तू, ड्रीम बॉय नाम का कोई बंदा है या नहीं, ऐसा लग रहा था। वेयर कर रहे थे ड्रीम बॉय के सामने, और ड्रीम बॉय जो जो चिल्ला रहा था, भाई मैं एसजीओ भाई मेरी बात सुनो, एसजीओ भाई क्या मजाक कर रहे हो, क्या कर रहे हो। एसजीओ भाई अपनी धुन में काम कर रहे थे, ऐसा लग रहा है कि वो ड्रीम बॉय को देख रहा था एसजीओ भाई को, लेकिन एसजीओ भाई ड्रीम बॉय को नहीं देख रहे थे। ये सब कुछ हो ही रहा था, ऐसा लग रहा था, मुझे भी महसूस हो गया कि ये सब नाटक हो रहा है या फिर जानबूझ के हो रहा है या फिर करवाया जा रहा है, ठीक है। ये सब कुछ हो रहा था कि ये विजर्ड का वर्ल्ड है, ये कुछ भी हो सकता है, ये मल्टीवर्स है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये दो चीज़ें तो हो रही थी। उसके बाद आगे जाकर वो गायब हो जाते हैं, थोड़ा बहुत आगे जाकर वो गायब हो जाते हैं, फिर अचानक वापस आ जाते हैं। और फिर जब ड्रीम बॉय एसजीओ भाई के पीछे जाते हैं, एसजीओ भाई जब आगे देखते हैं तो उनको दिखता है हीरो ब्रायन, ठीक है। हीरो ब्रायन और एसजीओ भाई दोनों आमने सामने होते हैं, और ड्रीम बॉय उनको देख रहा होता है, कि तभी हीरो ब्रायन एसजीओ भाई को मार देता है, ठीक है। उसके बाद स्मार्टी भाई आते हैं, स्मार्टी भाई को भी हीरो ब्रायन मार देता है, ओके। उसके बाद आता है फलाना जी, उसको भी हीरो ब्रायन मार देता है, ठीक है। फिर आता है नोबड़ा जी, उसको भी उड़ा उड़ा के मार देता है, ठीक है। फिर कौन बचा, हीरो ब्रायन। हीरो ब्रायन ड्रीम बॉय की तरफ नहीं देखता, या देखता है शायद, मैंने क्योंकि वो देख रहा था तभी, जूम कर रहा था तभी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। पर हाँ, तो जब हीरो ब्रायन के सामने विजर्ड आता है, विजर्ड ने हीरो ब्रायन को मार दिया, ठीक है। मारने के बाद क्या हुआ कि ड्रीम बॉय उदास हो गया, उसके सारे दोस्त मार दिए उसने, वाले हीरो ब्रायन ने सारे दोस्त मार दिए, पर हीरो ब्रायन बचा था उसको विजर्ड ने मार दिया। ड्रीम बॉय है ना, वो क्या है ना, अपने आप पर भोगला के उनको क्या लगा कि अब विजर्ड को मैं मारूंगा, विजर्ड अब तू गया, मतलब विजर्ड के पीछे आगे भाग ही रहे थे, तभी अचानक विजर्ड ड्रीम बॉय के आंखों के सामने गायब हो गया, ठीक है। वहां से गायब हो गया, वो लिप हो गया, और अचानक फिर ड्रीम बॉय और टूट गए, मतलब उससे बात करते जा रहे। फिर आगे जाकर क्या हुआ कि एक बड़ी गलती हुई, मतलब ये थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ है, तो किसी ने वीडियो में बताया था कि भाई ये सब कुछ हो रहा है, पर गाइस मैं इन गलतियों को मैं इग्नोर करता हूँ, क्योंकि ये तो हो जाता है, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, बड़े बड़े यूट्यूबर से भी हो जाती है, तो ये तो आम बात है, ठीक है। गेम में क्या ही गलतियाँ निकलोगे, गलती हो भी जाए तो क्या कर लोगे, मतलब क्या होगा, कम से कम थोड़ा बहुत मिस्टेक होगा, हो जाता है, बड़े बड़े आईक्यू लोगों के भी हो जाता है, छोड़ो यार ये बात को, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि फिर आगे क्या हुआ, जब विजन वहाँ से निकल गया, उस गेम से मतलब उस वर्ल्ड से निकल गया, तो फिर ड्रीम बॉय आगे जा रहे थे कि अचानक फिर से बारिश हुई, और फिर उनको एक घर दिखा जहाँ पर आर्मर, डायमंड का आर्मर, डायमंड की एक्स, डायमंड का सॉर्ड, सब कुछ रखा हुआ था। उसे लूटने के लिए ड्रीम बॉय अंदर जाते हैं, कि तभी उनको अचानक कुछ बंदे दिखते हैं, अपनी स्किन जैसे, अपनी स्किन पहन के आते हैं और बंदे वहाँ पर रहते हैं,
तो ड्रीम बॉय सोचता है कि यार मेरे जैसे दिखने वाले कितने लोग हैं, भाई यार सब कुछ तो मेरे जैसा है, ये लोग भी मेरे जैसे हैं, और ये लोग बो लेकर पकड़े एक सॉर्ड लेकर घूम रहा है कि अब जब भी उनके अचानक बीच में लड़ाई होती है और वो एक दूसरे को हंट करते करते आगे जाते हैं, तभी अचानक डार्क एंटिटी आती है। तो सब ड्रीम बॉय के मतलब सबको हैरान होता है, भाई ये बाहर कैसे आ गया। मेरे को भी एक बार ऐसा लगा कि ये सब बाहर आ गए, ठीक है, ये ऐसा लगा मुझे कि भाई हो गया कांड, हो गया, मतलब स्मार्टी भाई ने हुआ लाला को पिकैक्स दे दी और वो तोड़ के आ गया और सांप को बाहर निकाल दिया, ये सब हो गया, ठीक है। अब मैं बताऊँ आपको एक बहुत बड़ा लॉजिक देना चाहता हूँ, प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो मुझे जरूर कमेंट बताना, ये सच हो सकता है। मुझे लगता है मल्टीवर्स का मतलब तुम लोग नहीं समझे होंगे, मुझे भी एक बार ऐसा लगा कि ड्रीम बॉय ने जो हमें दिखाया है एक्चुअली वो ऐसा है ही नहीं, कुछ और हो गया हो, ड्रीम बॉय मल्टीवर्स में अटक चुका है, ठीक है, और उससे क्या दिखा, डार्क एंटिटी, ओके। पर डार्क एंटिटी क्यों दिखा, इसका भी रीज़न हो सकता है, 5-6 रीज़न बताऊँगा, एक थोड़ी बहुत थ्योरी लगा के बताऊंगा, ठीक है, कुछ थ्योरीज आपको सुनाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना, अगर वीडियो के यहाँ तक बने हो तो प्लीज़ बने रहो, क्योंकि कुछ थोड़ी सी हिंट देना चाहता हूँ क्या होगा, ठीक है। पहले ही बात ये है कि डार्क एंटिटी और होगा लाला दोनों ही अभी तक कैब में बंद है, हुआ लाला ने अभी तक बाहर नहीं निकाला क्योंकि उसके पास ऐसा कुछ है नहीं जिससे वो क्रैक कैपेसिटी उनको तोड़ सके, ठीक है, लेकिन ये सब है ही नहीं तो कैसे तोड़े, ठीक है। लेकिन आगे जाके क्या होता है कि ये भी हो सकता है कि टाइमलाइन से आगे आ गया ड्रीम बॉय और डार्क एंटिटी और हुआ लाला सब बाहर आ गए, और ये ड्रीम बॉय जहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है अभी इस टाइम पर, सब कुछ हो गया और ड्रीम बॉय जब स्मार्टी भाई की वीडियो में हमें देखा कि स्मार्टी भाई तो कहाँ पर है, वो पार्टिसिपेट करने गए हैं उस पार्कोर में, ठीक है, वो पार्कोर चैंपियनशिप में हो रहा है ना, वहाँ पार्कोर होगा तो वहाँ पर वो थोड़ा चैलेंज वैलेंज हो रहा है वहाँ, तो वहाँ पिकेस लेने की वो तो कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, स्मार्टी भाई तो वहाँ है। पर जब स्मार्टी भाई हमें ड्रीम बॉय की वीडियो में जो स्मार्टी भाई दिखे हैं वो एक्चुअली स्मार्टी भाई है ही नहीं, या स्मार्टी भाई है भी है तो वो टाइमलाइन से आगे आ चुके हैं, ठीक है, क्योंकि ड्रीम बॉय टाइमलाइन जंप कर चुका है, और ये कैसे किया, विजर्ड ने कर दिया है या फिर डार्क एंट्री ने कर दिया है, कुछ तो किया होगा जरूर, ठीक है, या फिर फलाना जी और विजर्ड के बीच में मीटिंग हो गई और ये सब कुछ हो भी गया, फलाना जी बहुत माइंडेड बंदा है बॉस, ओके। तो गाइस और मैं आपको बता दूं कि ये भी हो सकता है कि विजर्ड इस सब के पीछे हो, विजर्ड डार्क एंटिटी की स्किन पहन के आ गया हो, ओके, ये भी हो सकता है। लेकिन अब मैं बताता हूँ कि उस डार्क एंटिटी को देखने बाद ड्रीम बॉय के साथ क्या हुआ, ठीक है, कि जब वो दो बंदे जब ड्रीम बॉय को हिंट करते आ रहे थे, उसे डार्क एंटिटी दिखती है, तो ड्रीम बॉय क्या करता है, वाले बंदे होते हैं वो डार्क एंटिटी के सामने सिर झुकाने लग जाते हैं, 2-3 बार सिर झुकाते हैं और अचानक डार्क एंटिटी उस स्किन पहनने वाले बंदों को मार देती है, ठीक है, मतलब वो पहने वही नहीं है पर हाँ मतलब विजर्ड का कोई मायावी जाल हो ये सब कुछ हो, या फिर ये सर ड्रीम बॉय स्क्रीन पहनने वाले बंदे बहुत सारे क्लोन हो और ड्रीम बॉय की बात ना मान कर डार्क एंटिटी की बात मान रहे हो, ये भी हो सकता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि टाइमलाइन हो जिसमें डार्क एंटिटी होगा लाला सब बाहर आ गए और सब कुछ हो गया है, ड्रीम बॉय देख रहा है ये फ्यूचर हो, फ्यूचर, ठीक है, ये फ्यूचर में आ गया हो और सब कुछ हो गया, सब कुछ हिमलाइन सब तबाह हो गया हो और ये एक नया वर्ल्ड में आ गया हो, जिस वर्ल्ड में विजर्ड बोल रहा था कि मैं इस वर्ल्ड में नए वर्ल्ड में जाकर नई दुनिया बनाएंगे, तो ये भी हो सकता है कि वहाँ पर हिमलाइन तबाह हो गया हो, टाइमलाइन के हिसाब से बताओ, मुझे लगता है हिमलाइन तबाह भी हो सकता है, ठीक है, और मशीनें वापस चालू हो गई और उसने पूरा हिमलाइन तबाह कर दिया, मैन हिमलाइन भी तबाह हो गया, सब कुछ तबाह हो गया, कुछ नहीं बचा, ये भी हो सकता है, देखिए गाइस हो सकता है क्योंकि। और अब तुम लोग कहोगे भाई देखो तीनों कैद हमारे स्मार्टी भाई ड्रीम बॉय और एजियो भाई की जो वीडियोस लास्ट आई थी जिसमें स्मार्टी भाई तो क्या कर रहे थे, वो पार्कोर में गए थे, एजियो भाई फलाना ने उनको बेच दिया, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट, ओके। और इधर क्या होता है ड्रीम बॉय की वीडियो में क्या हुआ कि वो मल्टीवर्स में आ गया, तो ये क्या हो रहा है, टाइम जंप हो रहा है, या टाइम जंप हो रहा है, इधर एजियो भाई तो है ना वो उस गोल्ड, वो गॉड रहता है ना जो लॉर्ड गॉड की पूजा कर रहा है, उस पुजारी के पास कैद हो गए, उन्हें वो फलाना ने उसको बेच दिया, ऐसा हो सकता है वो भी गया हो और मान लो एजियो भाई को कैद कर लिया और ये सब कुछ हो गया, बचे को स्मार्टी भाई ड्रीम बॉय को टाइमलाइन में भेज दिया, मल्टीवर्स में भेज दिया, ये सब कुछ हो सकता है, और बचे स्मार्टी भाई पार्कोर में बिजी हो गए, अब क्या बचा गाइस, बहुत कुछ हो चुका है, ठीक है, तो ये भी टाइमलाइन हो सकता है, या फिर ये मायावी वर्ल्ड हो सकता है, या फिर विजर्ड का एक वो वर्ल्ड हो सकता है जिसमें वो जाना चाहता है और सबको वहीं ले जाना चाहता है, स्मार्टी भाई को अपने साथ ले जाना चाहता है, देखो ड्रीम बॉय को तो वो कहीं भेज दिया है या ड्रीम बॉय को भी ले आया है वो, अब बचा स्मार्टी भाई जिसको लाना चाहता है वो पार्कोर के द्वारा ला देगा, ठीक है,
ये बहुत सारी पॉसिबिलिटी है जो मैं आप सभी के सामने रख रहा हूँ, ठीक है। ये हिमलैंड में कुछ भी हो रहा है तो उसके हिसाब से बता रहा हूँ, ओके। अब देखो ये सब कुछ हो गया है, डार्क एंटिटी बाहर आ गया, ये कन्फर्मेशन है कि डार्क एंटिटी वही है, वो विजर्ड भी हो सकता है, क्योंकि विजर्ड जब गायब हुआ था उसके बाद विजर्ड कहाँ नहीं दिखा हमें, ठीक है, कहीं भी नहीं दिखा विजर्ड, ड्रीम बॉय की वीडियो में नहीं दिखा, फिर डायरेक्ट डार्क एंटिटी दिखी। और मुझे भी हो सकता है ड्रीम, देखो विजर्ड ने है ना जब उस पार्को चैंपियन बंदे को मारा उसकी स्किन पहन ली, ये भी हो सकता है कि डार्क एंटिटी की स्किन भी इस बंदे ने पहन ली हो विजर्ड ने, और ये विजर्ड ड्रीम बॉय के सामने नाटक कर रहा हो कि मैं डार्क एंटिटी हूँ, मेरे सामने झुकाओ, और ये पूरा वर्ल्ड विजर्ड के कंट्रोल में है, ये सब भी हो सकता है, ठीक है। एक और कुछ और बताऊँ क्या? अगर कुछ और बताऊँ तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, ठीक है। एक और चीज़ बताऊँ, ये भी हो सकता है कि डार्क एंटिटी का कोई क्लोन बना दिया फलाना ने और विजर्ड ने मिलकर, क्योंकि विजर्ड और फलाना एक हो गए हो, क्योंकि जिस तरह विजर्ड ने काम किया है ना स्मार्टी बॉय को भूल भुलैया भेज कर, इधर से ड्रीम बॉय को इस वर्ल्ड में भेज कर, तो ये भी हो सकता है गाइस, ओके। ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि क्लोन बनाकर डार्क एंटिटी का, और फिर लेकिन जो सीन किया है डार्क एंटिटी के क्लोन है वो क्लोन ही नहीं हो सकता, डार्क एंटिटी का क्लोन बन ही नहीं सकता, अगर बन गया है तो फिर डार्क एंटिटी की जैसा पावरफुल नहीं हो सकता, पर मुझे लगता है डार्क एंटिटी आज़ाद हो गई है, अगर उसकी पावर का यूज़ हुआ है तो इसका मतलब हो सकता है कि डार्क एंटिटी बाहर आ चुकी है, और ये टाइम लाइन है गाइस, मल्टीवर्स टाइम लाइन हो चुकी है, जो हमारा ड्रीम बॉय है वो टाइम जंप कर गया है, वो फ्यूचर में आ चुका है जहाँ पर हिमलैंड पूरा तबाह हो चुका है, और वो ऐसी जगह आ चुका है जहाँ पर ड्रीम बॉय और ना ड्रीम बॉय तो है सही, स्मार्टी बॉय और एसजीओ और फलाना नोबड़ा और हीरो ब्राइन सब कुछ आ चुके हैं, सब लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, ये सब कुछ कुछ हो रहा है, लेकिन टाइम लाइन आ चुका है, टाइम ट्रैवल तो आ गया था, ठीक है, स्टार्टिंग में आ गया था सीजन 4 में, उसके बाद मल्टीवर्स आ गया, अब क्या बचा, टाइम लाइन भी आ गया, टाइम लाइन तो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था हिमलैंड के स्टार्टिंग से कर रहा था, ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ कि टाइम जंप भी आ चुका है, ओके गाइस, ये टाइम में पीछे भी जा रहे हैं, टाइम में आगे भी जा रहे हैं, सब कुछ आ रहा है। ये थोड़ी बहुत डिटेल्स थी जो आपको बतानी थी, और ये मेरी जहाँ तक ये बात है कि मल्टीवर्स आ गया तो मान लो कि अब बचा ड्रीम बॉय, उसको डार्क एंटिटी मार देगा या डार्क एंटिटी अपने साथ ले लेगा, ये भी हो सकता है कि एक और पॉसिबिलिटी बताऊँ, हुआ लाला है ना जिसने स्मार्टी बॉय की मदद की थी, वो किस लिए की थी, उसके भाई के लिए, उसका भाई और बाप दोनों केव में थे, ठीक है, उस प्रिजन में बंद, शायद उसके लिए किया उसने, ठीक है, ये तो कर दिया है। मुझे बताया हीरो ब्रायन भी इधर ही हो जाएगा, लोगों अच्छे लोगों के साथ नहीं होगा, हीरो ब्रायन बुरा है तो बुरों के साथ होगा, और जो अच्छे होंगे वो अच्छे साइड हो जाएंगे, नोबड़ा जी अच्छा है तो अच्छे के साथ होगा, ओके गाइस। तो ये छोटी मोटी थ्योरी से जो मैंने अपने हिसाब से बनाई है और मैंने जो वीडियो में देखा वो सब कुछ आपके सामने एक्सप्लेन किया है। तो चलो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, आपको ये वाली वीडियो लाइक कर देना, चलो पर नया आयो सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना, ऐसे हमें अमेजिंग वीडियो देखने के लिए और थ्योरी सुनने के लिए, गेम प्ले वीडियो देखने के लिए, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड ये दो वीडियो देखने आप भी इसको देखें तो कैसे दबा दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो मेरे दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।